प्रोफाइल का दरवाज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सांचा का प्रयोग करेंगे। इस सांचे के माध्यम से हम एक प्रोफाइल पाइप का कटिंग करते हैं। अब हम पाइप का कटिंग करेंगे। सबसे पहले नाप लिख लेना है कितना कटिंग करना है। नाप लिखने के बाद मैं इस सांचे में डालकर मशीन से कटिंग कर देंगे। इस प्रकार कटिंग हो चुक गया है, एक पाइप कटिंग हो चुका है। दूसरा पाइप हम कटिंग करने जा रहे हैं, ये दूसरा पाइप भी मशीन के द्वारा कटिंग हो चुका है। दोनों पाइप मिलाकर देखेंगे बराबर हैं कि नहीं है। अब छोटा वाला पाइप कटिंग करना है, ये छोटा वाला पाइप दोनों कट चुके हैं। दोनों पाइप कट चुकने के बाद में हमें मिला लेना है। अब हम कुंजी की सहायता से सीधा कोना मिलाएंगे। कोना मिलाने के बाद में उससे एल पट्टी के हिसाब से दोनों तरफ से मार्किंग कर लेंगे होल का। फिर होल करके ड्रिल से एल पट्टी जो है उसको हमें अंदर में टाइट कर देना है। ये इस प्रकार से हम इसको टाइट करेंगे। देखिए किस प्रकार टाइट होता है। ये पट्टी अंदर घुसा दिया है। ये होल के सीध में ये वाला स्क्रू जो साथ में आता है ये टाइट कर दीजिए। ये टाइट कर दिया। अब दूसरा सामने वाला पाइप टाइट करेंगे। इसमें ये दूसरे पाइप में हम स्क्रू को टाइट करेंगे। कोंटे को एकदम मिला कर रखना है दोस्तों। इस प्रकार हमारे को स्क्रू टाइट करना है। दोनों तरफ स्क्रू टाइट हो गया है, दो पाइप जुड़ गया है आपस में। दोनों को मिला कर रखना है एकदम कोना, नहीं तो खराब दिखेगा। दोनों को एकदम टच रखना है। दोनों में टाइट होने के बाद में हम अगले पाइप की ये जो एल पट्टी है ये जो आप देख रहे हैं टाइट करेंगे इसको। ये अगला एल पट्टी टाइट हो चुका है। पट्टी टाइट करने के बाद में पाइप को घुसाएंगे। पाइप घुसाकर मशीन से एक एक करके इस प्रकार स्क्रू टाइट करना है। इस प्रकार ये चौथा पाइप हम टाइट करेंगे। ये आप देख रहे हो चौथा पाइप में स्क्रू लगाना है। ड्रिल मशीन से पहले हम थोड़ा छेद को बड़ा कर लेंगे ताकि स्क्रू फेस आ जाए बाहर से। दोनों को बड़ा कर लेना है। अब हम ड्रिल से पूरा स्क्रू टाइट कर देंगे। ये टाइट होने के बाद हमारा एक पल दरवाज़ा इधर है और तीन इधर, चारों दरवाजे बन चुके हैं। इसमें कांच लगाकर हमने फिट भी कर दिया है। इस प्रकार आप भी ये प्रोफाइल का दरवाज़ा इस तरह बना सकते हैं।